हे गाइस, वेलकम बैक टू द ये आर यूट्यूब चैनल। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर धरती में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो सभी इंसानों की दम घुटने से मौत हो सकती है। पर हम सभी जानते हैं फिलहाल धरती में तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा सिर्फ एक ही जगह हो सकता है और वो है प्लेन। पर कैसे, इसे समझने के लिए हमें घोस्ट प्लेन के केस स्टडी को याद करना पड़ेगा। आपको याद होगा हेलियोस फ्लाइट 522। इस प्लेन में ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया था और दम घुटने से सभी पैसेंजर्स की भयानक तरीके से मौत हो गया था, इवन पायलट की भी। इसके बावजूद भी ये प्लेन उड़ रहा था। इस घटना की पुष्टि दो फाइटर प्लेन्स ने किया था। जब इस प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया तब इस प्लेन के पीछे दो फाइटर प्लेन्स को भेजा गया। फाइटर प्लेन के पायलट ने देखा कि सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे और कहीं भी कोई भी हरकत नहीं हो रहा था। सब लोग शांत सोए हुए थे। हेलियोस फ्लाइट 522 के साथ हुई ये घटना इतना भयानक था कि इसे घोस्ट प्लेन के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना के बाद आम इंसानों को भी समझ में आने लगा कि प्लेन में ऑक्सीजन सप्लाई कितना जरूरी होता है और सिर्फ एक गलती किस कदर कहर ढा सकती है। यहाँ पर बात सिर्फ प्लेन की ही नहीं है बल्कि पर्वतारोही जब एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन मास्क भी रखते हैं ताकि वो आसानी से सांस ले सके। ऐसे में प्लेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल धरती के जैसा बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चुनौतियों के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन प्लेन में। दोस्तों, जब प्लेन ग्राउंड में होता है तब एयर प्रेशर प्लेन के अंदर भी ग्राउंड के जितना ही होता है, लेकिन जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब प्लेन के अंदर प्रेशर कम होने लगता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर ग्राउंड के कंपैरिजन में कम होने लगता है। ऐसे में प्लेन के अंदर एयर प्रेशर ग्राउंड के जैसा बनाए रखने के लिए एक ऐसे तकनीक की जरूरत पड़ती है जो लगातार केबिन में एयर का सप्लाई करे। यहाँ पर जेट इंजन सबसे पहला रोल निभाता है। जेट इंजन के कंप्रेसर से एक पाइप के जरिए एयर को केबिन में पहुँचाया जाता है और फिर प्लेन के पिछले हिस्से में बना आउटफ्लो वाल्व के जरिए एयर बाहर निकल जाता है और इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में ये एयर सप्लाई जो इंजन से केबिन तक पहुंचता है इसे रोका नहीं जा सकता है। ये हमेशा एक समान एयर का सप्लाई करता रहता है। अगर पायलट चाहता है कि प्लेन के केबिन में कम एयर सप्लाई हो तो ऐसे में उसे थ्रोटल को डाउन करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि इंजन का रोटेशन कम हो जाएगा जिसकी वजह से ये कम एयर को सक करेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है अगर इंजन कम एयर को सक करेगा तो वो केबिन में भी कम एयर को सप्लाई करेगा, पर ऐसा करने से प्लेन का स्पीड भी कम हो जाएगा, इसीलिए पायलट एयर सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो फिर इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? दोस्तों, अगर आपने APU वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्लेन के टेल में दो आउटफ्लो वाल्व होता है जिससे होकर केबिन का एयर बाहर निकलता है और इस वाल्व को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेन के अंदर प्रेशर कम हो रहा है तो पायलट इस वाल्व को क्लोज कर देगा और इंजन के द्वारा लगातार ब्लीड एयर के सप्लाई की वजह से केबिन के प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और फाइनली ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और जब केबिन का प्रेशर अधिक हो गया हो तो आउटफ्लो वाल्व को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर देने से केबिन का एयर और भी तेजी से बाहर निकलने लगेगा और फाइनली एयर प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। बात करें हेलियोस फ्लाइट 522 की तो इसमें दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एयर का सप्लाई और आउटफ्लो वाल्व का कंट्रोल सिस्टम। हेलियोस फ्लाइट 522 बोइंग 737-300 का मॉडल था जो कि काफ़ी ओल्ड प्लेन था और इसके प्रेशर पैनल में ऑटो और मैनुअल का भी ऑप्शन था। अगर ये स्विच मैनुअल में हो तो केबिन में एयर सप्लाई रुक जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये पायलट की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनुअली एयर को केबिन में सप्लाई करे। एयरक्राफ्ट्स में हमेशा ये स्विच ऑटो में ही होता है, इसीलिए पायलट का ध्यान इस स्विच पर नहीं गया था और ये स्विच मैनुअल में ही रह गया था। अब प्लेन में एयर सप्लाई रुक चुका था,
इसके साथ साथ आउटफ्लो बल्ब के जरिए जो भी बचा खुचा एयर कैबिन में था वो भी बाहर निकल रहा था, यानी कि दुगनी तेजी से कैबिन का एयर डाउन हो रहा था। अगर पायलट इस बल्ब को बंद कर देता तो शायद इस प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन जिस केबल की मदद से ये आउटफ्लो बल्ब कनेक्टेड होता है वो केबल भी टूट चुका था, यानी कि अब कोई भी उम्मीद नहीं बचा था। इस केस स्टडी के बाद आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझसे एक ही सवाल किया, अगर इस प्रेशर पैनल के स्विच को हमेशा ऑटो में ही रखा जाता है तो ये मैनुअल का ऑप्शन आखिर बनाया ही क्यों था बोइंग ने। वेल, सच कहूँ तो मेरे पास भी उस वक्त इसका जवाब नहीं था, पर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला कि बोइंग 737-300 के बाद सभी न्यू मॉडल्स के प्लेन में इस मैनुअल ऑप्शन को हटा दिया गया। इसीलिए तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ब्लीड एयर जो कि कंप्रेसर से केबिन तक जाता है इसे पायलट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके आउटफ्लो बल्ब को ओपन या क्लोज करके एयर प्रेशर को मेंटेन रखा जा सकता है। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लाइट के दौरान कानों में दर्द क्यों होने लगता है, इसे भी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज दो प्लेन है, प्लेन ए और प्लेन बी। प्लेन ए आराम से धीरे धीरे टेक ऑफ करता है जबकि प्लेन बी ऑलमोस्ट वर्टिकली टेक ऑफ करता है। यहाँ पर अगर हम दोनों प्लेन के इंजन पर गौर करें तो प्लेन ए 30 से 45 डिग्री पर टेक ऑफ करता है, इसीलिए इसके इंजन को कम पावर का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इंजन का रोटेशन कम होगा प्लेन बी के कंपैरिजन में। और प्लेन बी ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्लाई कर रहा है इसीलिए इसका इंजन तेजी से रोटेट करेगा, और जैसा कि हम जानते हैं इंजन का तेजी से घूमना यानी कि ज्यादा से ज्यादा एयर का सक होना, और ज्यादा से ज्यादा एयर का सक होना यानी कि केबिन में एयर का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होना। अब क्योंकि केबिन में अधिक एयर सप्लाई हो रहा है इसीलिए आउटफ्लो बल्ब के जरिए भी अधिक से अधिक एयर केबिन से बाहर निकलेगा, यानी कि प्लेन बी में अचानक तेजी से प्रेशर में बदलाव होगा जबकि प्लेन ए में धीरे धीरे प्रेशर में बदलाव होगा। और हमारे कानों की बनावट ऐसा नहीं होता है कि प्रेशर के बदलाव के अनुकूल इतनी जल्दी ढल सके, इसीलिए ये ईयर पॉप का प्रॉब्लम होता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर प्लेन नॉर्मली धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करता है तो ईयर पॉप कम होगा जबकि वर्टिकल टेक ऑफ में ईयर पॉप अधिक होगा। हालांकि ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं फिर कभी एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। सो गाइस, वीडियो बनाने के बाद मुझे ये याद आया कि मैंने तो एक टॉपिक का जिक्र ही नहीं किया, तो ये क्लिप मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। अगर हम कॉकपिट में एक नज़र देखें तो हमें प्रेशराइजेशन पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो स्विच होता है जो कि अभी ऑटो में है। ये दो स्विच दो आउटफ्लो बल्ब को कंट्रोल करता है। एक आउटफ्लो बल्ब प्लेन के अगले हिस्से से कनेक्टेड होता है और दूसरा पिछले हिस्से से। जब इस बल्ब को ओपन या क्लोज करना होता है तब इस ब्लैक स्विच को प्रेस करके इसे मैनुअल में कर दिया जाता है। इसके बाद इसके ठीक नीचे दो और स्विच है जिससे बल्ब को ओपन या क्लोज किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि इसमें दो बल्ब क्यों है, तो सपोज अगर बिजनेस क्लास यानी कि प्लेन के अगले हिस्से में स्मोक भर गया हो तो FWD यानी कि फॉरवर्ड बल्ब को ही सिर्फ ओपन किया जाएगा और इस बल्ब के जरिए सारा का सारा स्मोक बाहर आ जाएगा। इसके साइड में भी एक स्विच होता है जो रोटेट कर सकता है। ये बेसिकली एल्टीट्यूड को सेट करने में हेल्प करता है। प्लेन अगर लैंड करने वाला है तो पायलट इसकी मदद से लैंडिंग एल्टीट्यूड सेट कर देगा, फिर आउटफ्लो बल्ब के जरिए एक्स्ट्रा एयर प्रेशर को डंप करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से काम करता है ये आउटफ्लो बल्ब। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि Q&A वीडियो फिर से स्टार्ट करूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस को मैं पिक करूँ तो आप अपने सवाल हमेशा मेरे लेटेस्ट वीडियो पर करें, क्योंकि मेरे चैनल में 100 वीडियोस हैं और मैं सभी वीडियोस में जाके कमेंट नहीं पढ़ सकता। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अपने लेटेस्ट वीडियो से ही आपके कमेंट्स को पिक करूँ। तो जो कुछ भी सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है नीचे कमेंट में लिख डालो। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, पूरा थोड़ी सी लाइक कर देना, और दोनों ही इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।